हेलो फ्रेंड्स, रियल केमिस्ट्री कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। फिर से ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट क्या है, तो VBT का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि CH4 यानी कि मिथेन को किस तरीके से हम बनाते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। तो उसका एक बार फटाफट रिकैप कर देते हैं कि अगर मुझे CH4 बनाना है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट होगा और एक्साइटेड स्टेट के अंदर 1s के इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, 2s के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2px, 2py, 2pz। ये चार इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसमें से सपोज ये सेंटर है, न्यूक्लियस है कार्बन का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे सपोज मैं जेड एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जेड एक्सिस है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। दूसरा हाइड्रोजन एटम वाई एक्सिस के ऊपर से आएगा, यहां पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। तीसरा हाइड्रोजन एटम जेड एक्सिस के ऊपर से आएगा, यानी कि, और चौथा हाइड्रोजन एटम कोई भी डायरेक्शन में से आ सकता है क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में घूम रहा है। यानी कि कार्बन के अंदर ये जो तीन बॉन्ड है 1, 2 और 3, ये तीन बॉन्ड के बीच में जो कोई भी दो बॉन्ड है उसके बीच में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो यहां पे बॉन्ड एंगल कंपलसरी कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री। ये वाले बॉन्ड के बीच में भी 90 डिग्री, ये इसके और इसके बीच में, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो कोई भी एक्सिस है, दो एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब रियली के अंदर जब CH4 मॉलिक्यूल यानी कि मिथेन मॉलिक्यूल का हम एक्सरे एनालिसिस करते हैं, तो CH4 मॉलिक्यूल का शेप हमको मिलता है टेट्राहेड्रल, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कोई भी दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल मिलता है वो मिलता है 109.28 मिनट्स, यानी कि 109.5 डिग्री। यानी कि CH4 में कोई भी दो बॉन्ड पेयर के बीच में, ये वाले बॉन्ड पेयर के बीच में, इधर ये वाले बॉन्ड पेयर, इधर ये वाले, इधर ये वाले, हमको बॉन्ड एंगल प्रैक्टिकली क्या मिलता है, 109.28 मिनट्स या 109.5 डिग्री। लेकिन हमने VBT का जो कंसेप्ट है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, उससे हमने जो CH4 बनाया उसके अंदर कोई भी दो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल कितना रहता है, कंपलसरी 90 का रहता है। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू है CH4 की 109.28, उससे ये वाली थ्योरेटिकल वैल्यू मैच नहीं होती है। दैट्स व्हाई VBT का जो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि दो से ज्यादा एटम के बने हुए मॉलिक्यूल, यानी कि ये 5 एटम का बना होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, यानी कि वो रॉन्ग है VBT का ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया ये लिमिटेशंस? अगर समझ में आ रहा है तो आपको फॉरवर्ड करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।